एक न्यू यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो को बिना स्किप करते हुए वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप एक न्यू क्रिएटर्स है और वीडियो अपलोड करने के बाद 8 से 10 व्यूज़ आते हैं और उसके बाद व्यूज़ डाउन हो जाते हैं, अगर इस तरह आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो को पहले से एंड तक देखना है। उसके बाद यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कीजिए, उसके बाद यूट्यूब पर काम करना फिर से शुरू कीजिए। देखिए, एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के बाद जो मन चाहे वही वीडियो अपलोड करते हैं तो व्यूज़ कैसे आ सकता है भाई? सबसे पहले ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, काफ़ी लोग ऐसे होता है कि थंबनेल देखने के बाद वीडियो पर क्लिक करते हैं और उसके बाद साथ ही साथ तुरंत निकल जाते हैं। अगर आप भी इस तरह काम करते हैं तो भाई फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो से निकल जाइए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं एक दिन फर्स्ट जो वीडियो है चैनल के ऊपर, मैंने फर्स्ट जो वीडियो अपलोड किया है उस वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को धोखा देने के लिए नहीं आया है, जो सच्चाई है यूट्यूब पर वही बताने के लिए आया है। YouTube चैनल कैसे ग्रो करना है, कैसे वीडियो पर व्यूज़ लाना है, ये सारी के सारी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की सलूशन इस चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बिल्कुल गलत है तो आप फर्स्ट टाइम निकल जाइए भाई, मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं। देखिए, एक वीडियो देखने के बाद कम से कम एक कॉमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर इस वीडियो में कुछ कमी है तो कॉमेंट करके बताना है। अगर आप कॉमेंट नहीं करोगी तो क्या होता है कि नेक्स्ट जो वीडियो है फिर भी वीडियो पर कमी होता है। इसलिए जो कमी है बताना है, अगर सही है तो सही बताना है। ये दोनों से एक कमेंट करके ज़रूर बताना है। किसी चैनल की वीडियो आप वॉच करते हो तो ज़रूर एक ना एक कमेंट कीजिए। अगर सच होता है तो सच बताइए, अगर वीडियो में कुछ कमी है तो कमी बताइए। तब क्या होता है कि जो बंदा यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहा है उनको समझ में आता है कि मेरा वीडियो पर क्या कमी है, नेक्स्ट टाइम वीडियो पर कमी नहीं होता है। इसलिए एक कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। क्या आपकी राय है इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइए। देखिए, यूट्यूब पर आज की डेट में एक यूट्यूबर बनना काफ़ी मुश्किल होता है, और इस मुश्किल के बीच में अगर आप एक यूट्यूबर बनना है तो आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना होता है, आपको लगातार वीडियो अपलोड करना होता है। देखिए, काफ़ी लोग नया चैनल ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद सबसे बड़ी गलती तो यही होता है कि ओपन करने के बाद मान लीजिए आज एक वीडियो अपलोड किया है, बीच में एक दिन, दो दिन, तीन दिन नहीं गैप, उसके बाद 4 दिन बाद एक वीडियो फिर से अपलोड किया है, तो YouTube के जो एल्गोरिदम है भाई, ये आपके नहीं है, ये YouTube का है। इसलिए YouTube की जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम को पता चलना चाहिए कि आप कब वीडियो अपलोड करने वाले हैं। इसलिए भाई मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप किसी सर के पास ट्यूशन करते हो और उस सार ने देखिए एक टाइम आपको बताते हैं कि इसी टाइम पर डेली आना है। अगर मान लीजिए आपने एक दिन सुबह गया है, एक दिन शाम गया है, एक दिन दोपहर गया है, तो आप क्या ट्यूशन कर सकते हैं? क्या सार को मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो सेम इसी तरह यूट्यूब पर अगर वीडियो अपलोड करना है तो एक कंसिस्टेंसी आपको मतलब मेंटेन करना होता है। आप 2 दिन बाद वीडियो अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा आपको 2 दिन बाद, 2 दिन बाद वीडियो अपलोड करना होता है। आपने आज एक वीडियो डाल दिया है, 2 दिन गैप है, 3 दिन में और एक वीडियो डाला है, उसके बाद 4 दिन गैप है, 5 दिन में और एक वीडियो अपलोड किया है, तो YouTube की जो एल्गोरिदम है, तो एल्गोरिदम को कैसे पता चलता है कि आप किस टाइम पर, किस डेट पर वीडियो अपलोड करने वाले हैं? अगर कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करते हैं ना, तो यूट्यूब को पता चलता है कि ये बंदा इसी टाइम, इसी डेट पर वीडियो अपलोड करने वाले हैं, और उस टाइम जब वीडियो अपलोड करते हैं तुरंत वीडियो के जो इम्प्रेशंस है वो लोगों तक पहुंचाता है। इसलिए कंसिस्टेंसी जो है ये मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और बाकी जो है, अगर आपने एक वीडियो मान लीजिए बना लिया है और वीडियो बनाने के बाद वीडियो जब अपलोड करते हैं तो अपलोड करने में काफ़ी मतलब टाइम लगता है, काफ़ी सोच समझ के वीडियो अपलोड करना होता है, तो अभी जाके एक वीडियो रैंक में चले जाते हैं। अगर वीडियो सर्च में नहीं आते हैं एक नया चैनल की वीडियो, तो आप बताइए आपकी जो वीडियो है लोगों के सामने कैसे पहुंच पाता है? ये दिमाग में हर एक सेकंड में आपको रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, आज की जो वीडियो है मैं वहीं पर ख़त्म करने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना है, चैनल में नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।